यहां पर कितने लोग हैं जिनको प्रार्थना करने में तकलीफ होती है? आप सब कुछ कर सकते हैं प्रार्थना करने के अलावा। मैं एक है, ईमानदार ईमानदार कितने लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहा? आपको मनोहर कहानियां दूंगा तो 3 रात तक लगातार पढ़ लेगा, 3 रात तक आप पढ़ता रहेगा, मगर बाइबल का एक अक्षर आपके दिमाग में नहीं जाता। तो ये वचन आपके लिए है, आज इसको समझना हो क्या रहा है और इसमें से हम बाहर किस प्रकार से आएंगे। आमेन। प्रेरितों के काम 16 के 16 में से हम पढ़ते हैं, जब वह प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही है तो पौलुस और सिलास को पकड़कर के चौक में प्रधानों के पास खींच के ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा कि ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें हम ग्रहण करना या मानना हमारे रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने लगे की आज्ञा दी। बहुत बैते लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया और दारोगा को आज्ञा दी कि चौकसी से रखे उनको। ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव में काठ में ठोक दिए गए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत स्वद्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। अपने पड़ोसियों से कहे, सबके बंधन खुल पड़े, सबके बंधन खुल पड़े, सबके बंधन खुल पड़े, क्योंकि आज बंधन खुलने की बात है, आज बंधन खुलने वाले हैं। कोई एक्साइटेड है इस बात के लिए? आमेन, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, आमेन, आमेन, आमेन। चलिए वचन में जाएंगे। वचन यूं कहता था कि पौलुस अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर तैयार था एशिया में जाने के लिए, और एशिया में जाने से पहले वो मकदूनिया के एक शहर फिलिपी में पहुंचता है। और फिलिपी में ऐसा है कि सबत के दिन, सबत का दिन दिन का समय नहीं होता है, वो शुक्रवार रात का समय है यहूदी मत में। और शुक्रवार रात के समय पौलुस और सिलास आराधना के लिए एक जगह पर जा रहे हैं और अचानक से उनको एक स्त्री मिलती है जहां पे यहां पर लिखा है जिसके समय सामने अंदर भाव बताने की आत्मा या डिविनिटी की आत्मा थी। जब मैं इसको यूनानी में पढ़ता हूं तो इसका जो एग्जैक्ट मतलब निकलता है वो है अजगर की आत्मा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का असर होता है वो एक सांप की तरह कर रहे होते हैं, और ये उसी के बारे में है। अजगर की एक खास बात है कि अजगर डसता नहीं है। अगर आपने अजगर के बारे में देखा है तो वो डसता नहीं है, वो निगल जाता है। एक कहानी मैं आज पढ़ रहा था कि ताइवान में एक महिला थी जिसने एक अजगर को पाल लिया था, और ये अजगर बड़ा हुआ, करीबन 2.5-3 साल इनके साथ रहा, और अचानक से एक दिन अजगर ने इनको खाना छोड़ दिया और ये महिला बहुत परेशान हो गई, मेरा पालतू अजगर खाना छोड़ के बैठा है। वो बहुत परेशान हुई, बहुत दवाई कराई, फिर एक बहुत बड़े जानवर के डॉक्टर के पास ले गई कि ये मेरे अजगर को क्या हुआ। तो डॉक्टर ने अजगर को देखा बहुत ध्यान से और कहता है, अजगर को कुछ नहीं हुआ, क्या आप अपने अजगर के साथ सोती हैं? उन्होंने बोला, जी। कहता है, ये अपना पेट खाली कर रहा है ताकि आपको निगल जाए। सांप के साथ दोस्ती बहुत खतरनाक होती है। जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं, शैतान जो है सांप के रूप में
हव्वा के पास आया। और जब भी बाइबल में सांप की बात होती है तो ये हम शैतान की बात कर रहे हैं। और सांप के रूप में हव्वा के पास आया, हव्वा के साथ उसने दोस्ती की और हव्वा को उसने भरमा लिया। ये सांप की आत्मा भरमाने की आत्मा है। जहां कहीं पे भी ये सांप की आत्मा आपको दिखेगी, आपको कंफ्यूजन में रखती है। आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन आता है, आपके दिमाग में हमेशा गलत ख्याल आते हैं, बेकार की बातें आती हैं। आपने एक वचन बोला कि परमेश्वर धन्यवाद हो, उतने में ही आपके दिमाग में फालतू के 10 ख्याल आने लग गए। ये आप इस बात को समझ लीजिए कि आप इस स्पिरिट के हमले में हैं। ये लिवाइथन स्पिरिट, जो ये सांप की पाइथन स्पिरिट है, ये आपके अंदर काम कर रही है। हम में से बहुत सारे लोग घंटों घंटों बैठ के टीवी देख लेते हैं, घंटों घंटों बैठ के दूसरे किताबें पढ़ लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, मगर जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं आपके मुंह से एक शब्द नहीं बोला जाता। आपका दिमाग घूम रहा होता है, आज मेरी सास ने ऐसा कहा, आज मेरे पड़ोसी ने ऐसा कहा, आज इसने कहा ऐसा कहा। ये कंफ्यूजन की आत्मा है। और सांप जहां कहीं पे भी आता है वो कंफ्यूजन लेकर आता है। और पौलुस और सिलास प्रार्थना करने जा रहे थे, प्रार्थना के बीच में, रात के बीच में ये औरत इनको मिल जाती है और ये लगातार इनका पीछा कर रही है और इनको प्रार्थना करने से रोक रही है और कह कुछ नहीं रही। ये कह रही है कि ये सुसमाचार सुनाते हैं और परमेश्वर का रास्ता बताते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मगर एक्चुअली कई बार शैतान आपको ऐसे जगहों पर मिलेगा जहां पर आपको उसकी उम्मीद नहीं है। कई बार शैतान आपको ऐसी ऐसे मोड़ों पर मिलेगा जहां पर आपने उसको देखने का उम्मीद नहीं किया है और वहां पर आके आपको एकदम वो धार्मिक रीति से बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, पौलुस और सिलास परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो एशिया माइनर में जाने वाले हैं और उससे पहले ये स्त्री उनके पीछे आती है, देख रहे इनकी मशहूरी करने लगती है कि ये परमेश्वर ये उद्धार का रास्ता बता रहे, उद्धार का रास्ता बता रहे, उद्धार का रास्ता बता रहे, मगर असल में ये इनको डिस्टर्ब करने आई। कई बार लोग आपके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे जो आपको लगेगा आत्मिक हैं, जो आपको लगेगा कि ये परमेश्वर की तरफ से हैं, क्योंकि उनकी बातें परमेश्वर की तरफ से हैं। जरूरी नहीं है इसका मतलब कि वो परमेश्वर की तरफ से हैं। ये मैं आपको वचन से साबित कर सकता, क्योंकि वो सही बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से है। जब कभी भी आप शैतान के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, आपका अलाइनमेंट पवित्र आत्मा के साथ बिगड़ जाता है। और हम यहां पर देखते हैं कि ये जो औरत थी, ये पूरे इलाके में लोगों को उनका भविष्य बताती थी। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग वो देखते हैं, क्या नाम है, राशिफल, हाथ दिखाने वाले के पास जाते हैं, वो जो कार्ड पड़ता है, टैरो, एक तोता रखा है, तोता जाता है, तोता कार्ड निकालता है, आपको बताता है। हाँ, ऐसे कई बार हमने किया है। वो यही आत्मा है, पाइथन स्पिरिट। क्योंकि हमने कभी ऐसा किया, ये हमको पकड़ लिया और ये हमारे जिंदगी में से बाहर नहीं जा रहा, और ये बाहर नहीं जा रहा इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अंदर नहीं आ पा रहे। क्योंकि हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को बाहर से देखते हैं और वहीं देखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको लगता है यही बहुत है। मगर असल में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाते हैं, वहां पर आपको विक्ट्री मिलती है, वहां पर आपको स्ट्रैटेजीज मिलती है। कई बार हम धन्यवाद तारीफ बोल के घर वापस लौट जाते हैं, जबकि आपको वहां ठहरना चाहिए। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर से सुन ना ले, आपकी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं। और यहां पर ऐसा ही हो रहा था कि ये जो आत्मा थी, ये पूरे इलाके के ऊपर हक जमा के बैठी हुई थी। ये केवल एक आदमी के अंदर नहीं थी, ये पूरे इलाके के ऊपर थी। आज हम पहले दिन अपने उपवास प्रार्थना के लिए, आपको क्या लग रहा है कि हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम इस इलाके के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस पंजाब देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि जब कभी भी आत्मा एक आदमी के अंदर आती है, उसको उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे इलाके के ऊपर छा जाती है। मरकुस रचित सुसमाचार 5 में हम देखते हैं यीशु मसीह गदेसरीन की एक जगह पर जाता है और वहां पर एक आदमी है जिसके अंदर 5,000 दुष्ट आत्माएं हैं, और वो कहता है, यीशु मसीह उसको डांटता है और वो कहते हैं कि हमको इस देश में से मत निकालो। हो तो तुम एक आदमी पर, मगर वो असर पूरे देश में लाता है। उसके बाद यीशु मसीह उन्हें डांटता है, वो सुअरों में चले जाते हैं और सुअर पानी में चले जाते हैं। ये कहानी आपको मालूम है?
ये मरकुस रचित सुसमाचार 5 में पढ़ेंगे। तकलीफ एक आदमी की थी मगर असर पूरे इलाके पे आता है। जब कभी भी हम दुष्ट आत्माओं को देखते हैं, आजकल कई चर्चिस में ऐसा हो गया है कि हम उनकी काउंसलिंग करने लगते हैं, हम उनको समझाने लगते हैं, मगर असल में होना यह चाहिए कि हमको उन्हें डांट के भगा देना है। उनके साथ कोई काउंसलिंग या कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे पांव के नीचे, काउंसलिंग अपने बराबर वालों के साथ करेंगे भाई। दुष्ट आत्मा की बात क्यों माने? किसी को बुरा ना लग जाए। अगर उनको बुरा लग रहा है कोई बात के लिए तो वो आपसे आकर कह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये सारी बातों को मत करिए क्योंकि ये हमारे को तकलीफ देती है, ऐसी बातें हमारे को तकलीफ देती है। सच मत बताइए, हमारे को तकलीफ देती है। ऐसा ही एक बार हमारे साथ गोवा के एक चर्च में हुआ, और जैसा मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं वहां आज भी प्रचार कर रहा था, और बिंदास मैं कहीं पे भी जाता हूं वैसा ही प्रचार करता हूं। तो ये लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि आपका प्रचार बहुत हैवी है, आप इसको थोड़ा सा टोन डाउन करिए तो हम आपके चर्च आएंगे। मैंने कहा मैं तो यही बोलने वाला हूं, आपको आना है आइए, आपको नहीं आना मत आइए। क्योंकि ये जो आत्मा होती है ना, ये दुष्ट आत्मा होती है, ये हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचा रही होती। जब ये गदेसरीन के अंदर ये आदमी था तो इस आदमी को अपने आप को कट मार रहा था। जब एक और जगह पर यीशु मसीह एक लड़के को मिलता है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको पानी में गिरा देता है, आग में गिरा देता है। हर कोई ऐसी आत्मा जो आपको, ये दुष्ट आत्मा जो भी है आपको नुकसान पहुंचा रही है। जब कोई नशा कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। उसको मालूम है कि वो मर रहा है, उसको मालूम है कि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोग की गवाही है कि जब वो नशा कर रहे हैं तब तो कर रहे हैं, मगर उसके बाद जब उनका होश आता है उनका शरीर पहले से भी ज्यादा दुर्बल हो गया है, उनको तकलीफ हो रही है। और ये सारे होने के बावजूद भी ऐसा क्या है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप अपने आप के हाथ में सुई मार के देखिए, सुई मारना भी मुश्किल है, मगर ये लोग इस आत्मा के अंदर आके अपने आप को सिरिंज पे सिरिंज मारे जा रहे हैं। जो नसें कड़क हो गई हैं उसके अंदर भी मारे जा रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये किसी हालत से भी नॉर्मल नहीं है। ये नुकसान की आत्मा है, ये हमारे घरों में घुसी हुई है। और ये फूलती फलती कब है? जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आपको मालूम है अजगर काम कैसे करता है? सुनो, आपको मालूम है अजगर काम कैसे करता है? वो पहले आपको लपेट लेता है, आपसे दोस्ती करता है, आपको लगेगा कि ये हमारा दोस्त है, ये लपेट लेता है। और लपेटने के बाद वो धीरे धीरे आपके ऊपर अपना शिकंजा कसने लगता है, आप सांस छोड़ने लगते हैं और वो कसने लगता है, छोड़ने लगते हैं कसने लगता है, छोड़ने लगते हैं कसने लगता है। एक ऐसा समय आता है कि आपके फेफड़ों में सांस लेने की जगह ही नहीं रह जाती। ये चर्च में बहुत लोगों के साथ होता है। शुरुआत होती है परमेश्वर के लिए हाथ उठाइए, कौन उठाएगा, ताली बजाइए, चर्च आइए, क्या बाइबल उठाइए, तक तेरी शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि हम शिकंजे में आ गए। यही आदमी था पहले चर्च में डांस कर रहा था नाच नाच के, यही आदमी है कि वो हाथ उठाने से भी कतरा रहा है, यही आदमी है जो परमेश्वर की महिमा करने से भी कतरा रहा है। ये एक शुरुआत है पाइथन स्पिरिट की कि ये हमको शिकंजे में ले रही है। बाइबल में जो श्वास है, जो सांस है, वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया उसके नथनों में उसने श्वास फूंक दिया, और अदन की वाटिका में शैतान ने क्या किया, परमेश्वर और आदम के बीच का रिश्ता काट कर दिया, कट कर दिया। वही काम वो आज भी हमारे साथ कर रहा है, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हम पवित्र आत्मा से अपने आप को भर रहे हैं। बाइबल बताती है पेंतिकूस के दिन जब वो एक कमरे में चुपचाप से छुपकर बैठे हुए थे, 120 जन, वहां पर हवा चलने लगी। पवित्र आत्मा हवा को दिखाती है, और पाइथन स्पिरिट इस हवा को हमारे अंदर से निकाल लेती, क्योंकि जब हम प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे ये पवित्र आत्मा की ग्लोरी में हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, और उसको मालूम है कि वो ये कर रही है। पाइथन स्पिरिट छुप के हमारे चर्चिस के अंदर बैठी हुई है और हमको मालूम भी नहीं। लूका रसीद 4:30, पर यीशु उन्हां विचों लंघ के
अपने राह चला गया, आगे बढ़ गया। जदों वह गलील दे कफरनहूम पिछे पहुंचा, उसने शब्द दे दिन लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिता। लोग उसके उपदेश तो हैरान हो गए, क्योंकि वह अधिकार नाल बोलिया। प्रार्थना स्थान से एक मनुख सी जिसनों पिष्ट आत्मा चिंबड़े होया सी। वह आदमी उच्ची आवाज विच चीख्या, हे नासरत दे यीशु, तेरा साडे नाल की काम है? की तू इत्थे सानू तबाह करन आया है? मैं तैनू जानदा हाँ कि तू कौन है, परमेश्वर दा पुत्र पुरख है। पर यीशु ने उसनू रोक के ताड़ना कीती अते कहा, चुप कर अते इस मनुख विचों निकल जा। पृष्ट आत्मा ने सारे लोगों के सामने उस मनुख नू ठा जमीन ते पट गया, अते फिर पृष्ट आत्मा बिना उस आदमी नू सट पहुंचाए उस विचों निकल गया। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। चार जब आप लूका रचित 4:18 पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह नाजरत में जाता है और अपनी सेवकाई का पहला सर्मन या पहला उपदेश वो नाजरत में देता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरे ऊपर पवित्र आत्मा डाला है ताकि मैं कंगालों तक सुसमाचार दूंगा। और नाजरत में लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसको मारने लगते हैं, उसको धक्का देने लगते हैं, और यीशु मसीह वो नाजरत में से बाहर निकल आता है और वो कफरनहूम में जाता है और कैफरनहूम की एक चर्च के अंदर घुस के बैठ जाता है और उस चर्च के अंदर वो प्रचार कर रहा है और वो प्रचार कर ही रहा होता है कि एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकल आती है। ये वही आदमी है जो फरीसियों के अंदर बैठा रहता होगा, इसके अंदर एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ताली बजाने वाला, दशमांश देने वाला, सारी बातें अच्छी करने वाला, एक ऐसा आदमी। मगर जब वो अभिषेक के इंपैक्ट में या अभिषेक के टच में आता है, उसके अंदर की असलियत बाहर आ जाती है और वो यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर रहा है। देखो कितना पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह को खुश होना चाहिए, तुम मेरे को मार के भगा रहे हो, ये मेरे को प्रभु करके ग्रहण कर रहा है। मगर यीशु मसीह उसके साथ कैसे डील करता है? गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बाहर निकल। हर कोई जो दोस्ती का चोला पहना के हाथ मिलाता है वो दोस्त नहीं है, अपने पड़ोसी से कहिए। हर कोई जो दोस्ती का चोला पहना के हाथ मिलाता है वो शायद दोस्त नहीं है। हालेलुया। शैतान हमेशा छुप के आता है, वो दोस्ती के रूप में आता है, वो प्रेम के रूप में आता है, मगर सच्चाई जो है उसकी वो है, वो मारने आया है, वो घात और हत्या करने आया है, वो आपका दोस्त किसी रूप में नहीं, वो आपका दोस्त किसी रूप में नहीं है। और हम यहां पर देख रहे हैं कि ऐसे ही एक जगह के ऊपर है पौलुस और सिलास है जो इस आत्मा के आमने सामने हो जाते हैं और पौलुस इस आत्मा से एक बार उपता जाता है और इसको हुक्म देता है कि निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये आत्मा उसी समय उसके अंदर से निकल जाती है। जब कभी भी आप इस तकलीफ में से होकर गुजरे कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप फास्टिंग में नहीं जा पा रहे हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है कि क्या मैं किसी गलत आदमी की बात तो नहीं सुन रहा, क्या मैं किसी गलत बातों में फंसा तो नहीं हुआ। कई बार हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं मगर अपने आप को जांचते नहीं है। अगर आप कभी भी ऐसे परिस्थिति में हैं जहां आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, तो सबसे पहले जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी को जांचिए कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी रविश तो नहीं जो परमेश्वर के विरोध में है। कुछ दिनों पहले मैं एक घर में बैठा हुआ था और वहां पर परमेश्वर का आत्मा मेरे को यूं कह रहा था कि जब हम चावल को बोते हैं, हम इसको चौना बोलते हैं पंजाबी में, चौना चो नोना चौना, ओके, हम चौने को बोते हैं तो चावल को बोने के बाद हम उसको छोड़ नहीं देते, उसके आजू बाजू जो होता है बहुत सारी खर पतवार निकल आती है, बेकार के पौधे निकल आते हैं, और ये पौधों का काम ये होता है कि ये किसी ना किसी तरीके से जो चीजें चावल को मिलनी है वो चावल की चीजों को ये खा ले, उसका जो खाद है उसका जितना भी पोषण है ये जंगली पौधे निकाल ले। हमारा विश्वास भी इसी तरीके से है, हमने विश्वास का बीज अपने दिल में बोया तो है मगर उसके आजू बाजू बहुत सारे ऐसा बेकार का जो जंगली पौधे हैं, बेकार की चिंताएं हैं, बेकार की चीजें हैं, बेकार का सोच है, बेकार का व्यवहार है, जिसने हमारे जिंदगी के आजू बाजू एक 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 घेरा बना लिया है, और जो समय हमको परमेश्वर को देना चाहिए था वो परमेश्वर को नहीं दे रहे, हम बेकार की बातों में दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी जिंदगी में से हमारी जिंदगी का जो पोषण है वो निकाल के ले जा रहा है। इसको
निपटने का एक ही तरीका है कि इसको जड़ से उखाड़ दो, इसको जड़ से उखाड़ दो। कई बार हम इसको ऊपर से काट देते हैं, दो दिन हमारी प्रार्थना हो गई, वेरी नाइस, इसको जड़ से उखाड़ दो, इसको आप जड़ में से उखाड़ दो। अगर आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको जड़ से उखाड़ दीजिए, इसको जड़ से उखाड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे एरियाज हैं जो आपको प्रार्थना में रोक रहे हैं, जो आपको प्रार्थना में जाने नहीं दे रहे हैं, या आप इसको जड़ से उखाड़ दीजिए। ज्यादातर ये होता है रात के बीच में, ये रात के बीच में सबत की प्रार्थना करने जा रहे थे, और सबत की प्रार्थना करने जा रहे थे तो एक औरत इनसे मिलती है। कौन है भाई रात के बीच में 12 बजे आपसे रात को मिलता है? जितने शैतानिक हमले आपके ऊपर हो रहे हैं आप देखेंगे रात के बीच में होते हैं, क्योंकि रात के बीच में परमेश्वर का आने का समय है। बाइबल बताती है यीशु मसीह एक दूल्हा है जो अपनी दुल्हन के लिए रात के बीच में आता है, और वही समय होता है कि हम परमेश्वर से मिलते हैं रात के बीच में। आप कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी गहरी बातें मुझे रात के बीच में बताई, वो रात के बीच में एक 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 किरण की तरह हमारे बीच में आता है, एक रात के बीच में। और उसी समय आप देखेंगे कि शैतानिक हमला भी सबसे ज्यादा आपके ऊपर होता है। जितने लोग जिनके ऊपर व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, उल्टे सीधे काम आपके साथ रात के बीच में होते हैं। जितने लोग अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, उनके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल रात के बीच में ही आते हैं। जितने लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ा देना चाहते हैं, वो रात के बीच में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो रात के बीच का समय है, ये परमेश्वर से मिलने का समय है, और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से मिलें। वो आपके मन के अंदर टेम्पटेशंस ला रहा है, आपके मन के अंदर ऐसी चीजों को डाल रहा है, तू अपने आप को खुश कर, तू अपने आप को जो तेरा मन करता है उस प्रकार से कर। क्योंकि मैं आपको सच बता दूं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने मन को खुश करने की कोशिश करने लगे, मगर सही में वो खुश नहीं थे। अगर आप माइकल जैक्सन का नाम जानते हैं तो आप उसकी जिंदगी को बहुत गौर से देखिएगा। उसके पास पैसे थे, करोड़ों अरबों खरबों रुपए थे, मगर उसके मन में खुशी नहीं थी। उसने जो वो काला था, वो रंग का काला था, उसने प्लास्टिक सर्जरियां करा करा के अपने आप को गोरा बना लिया, मगर फिर भी उसके अंदर खुशी नहीं थी। उसने समलैंगिक विवाह किए, फिर भी उसके अंदर खुशी नहीं थी। वो सब कुछ कर चुका था, मगर उसके अंदर वो खुशी नहीं थी, क्योंकि खुशी केवल परमेश्वर दे सकता है। जो सच्ची खुशी है वो परमेश्वर दे सकता है। बाइबल बताती है कि मेरी खुशी रात के समय आती है, द जॉय कम्स इन द मॉर्निंग, भोर के समय मेरा आनंद आता है, वो यीशु मसीह के रूप में है। ये आत्मा आपके साथ एक दोस्ती के रिश्ते में आती है, और दूसरा चीज जो ये करती है, जो आपको मिशन में से हटकार देती। पौलुस और सिलास अपने मिशन पर थे कि वो एशिया के अंदर जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। कई बार अगर आप सेवकाई में हैं, अगर आप विश्वास में हैं, तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मेरे जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, मुझसे ब्याह कर लो। दिखने में अच्छा होगा, दिखने में समझदार होगा या समझदार होगी, मगर जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से। कई बार हम ऐसे शैतानों से लड़ रहे हैं जो हमारे परिवार में थे ही नहीं, हम शिंदा मसीह का शैतान अपने घर ले आए, क्योंकि जब चिंटी मिंटी की शादी होगी तो बंटू निकलेगा, और बंटू के अंदर वो प्रॉब्लम होगा जो शिंदे के घर में था। तुम्हारे घर में आज तक लोग लड़ाके थे, तुम्हारे घर में आज तक लोग नालायक थे, मगर अचानक से ड्रग एडिक्ट कहां से पैदा हो गया? क्योंकि वो शिंदा के घर से आया है। थोड़ा ध्यान से सोचिए इस बात को, बिफोर यू अलाइन, आप किसी के साथ भी तालमेल बिठाने से पहले एक बार परमेश्वर से जरूर पूछ लें कि आप पिता ये आपकी तरफ से है कि नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसी लड़ाइयों में फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता ये कौन है, कहां से आ गया, हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, ये कैसे कर रहा है, क्योंकि ये तेरे खानदान से है ही नहीं, ये कहीं और से आया है। बाइबल बताती है जब दुष्ट आत्मा शरीर में से निकल जाती है, वो एक घर ढूंढती फिरती है और अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आ जाती है। तो इसीलिए अपने शरीर को खाली छोड़ना बेकार है। बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, शवासन कर रहे हैं, आत्मा को अंदर से जाने दो, खालीपन लाओ। जैसे ही आपने अपने आप को पवित्र आत्मा से खाली किया, वहीं पर दुष्ट आत्मा घुस गई। पाइथन स्पिरिट आपको जकड़ लेती है, आपके अंदर से पवित्र आत्मा को निकाल देती है ताकि आप खाली हो जाएं, और उसी समय वो अपने आप को दुष्ट आत्माओं से भर लेती है।
आपने देखा है कि जैसे मैं मरकुस रचित सुसमाचार 5 की बात कर रहा था, यीशु मसीह ने पूछा उसका नाम, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है। इसका मतलब 4-5 हजार दुष्ट आत्माएं एक शरीर के अंदर। चर्च का लफड़ा चर्च से है, मेथडिस्ट वाले बैप्टिस्ट से लड़ रहे हैं, बैप्टिस्ट वाले पेंटिकॉस्टल से लड़ रहे हैं, पास्टर आपस में लड़ रहे हैं, चर्चिज आपस में लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। मगर क्या आपने कभी शैतान को लड़ते हुए देखा है? शैतान कभी नहीं लड़ता आपस में, वो एक एक करके साथ में आता है। पहले वो शराब पिलाएगा, शराब पिला के उसको मजा आएगा, फिर वो आपसे जुआ खिलवाएगा, जुआ खिलवा के मजा आएगा, फिर आपको वो गलत कामों में, गलत संगत में लेकर जाएगा, गलत औरतों के साथ लेकर जाएगा, उसके बाद वो आपके अंदर नशा डाल देगा। आप देखेंगे कि वो एकदम आपस में मिले जुले हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी शराब का एक पैग लगाने से या सिगरेट का एक पफ लगाने से, और मामला आ गया नशे तक, क्योंकि शैतान मिला हुआ है। मगर चर्चिस नहीं मिले हुए, कलीसिया के लोग आपस में नहीं मिले हुए। शैतान को कभी देखा है दूसरे शैतान की निंदा करते हुए? कभी जुआरी बोलेगा शराबी खराब है? शराबी कभी बोलेगा नशेड़ी खराब है? नशेड़ी कभी बोलेगा व्यभिचार करने वाला खराब है? वो कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। मगर आप आपस में देख लीजिए, हम बटे हुए हैं, इसीलिए हम गिरे हुए हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी अग्रीमेंट में क्या ताकत है। बाइबल बताती है जब दो एक बात को अग्री करेंगे और उसको छुएंगे, जैसा वो जमीन पर बोलेंगे वैसा स्वर्ग पर हो जाएगा। जिस चीज को वो जमीन पर बांधेंगे वो स्वर्ग पर बन जाएगा, जिस चीज को वो स्वर्ग में खोलेंगे वो जमीन पर खुल जाएगा। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हम इतने एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कैसे करें। हम एक दूसरे के साथ मिलकर व्यभिचार करने को तैयार है, हम एक दूसरे साथ मिलकर एक दूसरे की निंदा करने को तैयार है, मगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर कभी अग्रीमेंट करके प्रार्थना नहीं कर पाते। और पाइथन स्पिरिट यही कर रही है। पति पत्नी के बीच में झगड़े, क्योंकि वो कभी अग्रीमेंट में नहीं आते। आप अग्रीमेंट में नहीं आ पाएंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने जो पहला चर्च दिया है वो पति पत्नी के बीच में दिया है। मेरी गल समझ आ रही है? कितनों को? परमेश्वर एक व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, पौलुस। जब भी परमेश्वर कोई बेदारी लाना चाहता है वो एक से शुरू करता है, वो एक से शुरू करता है। पौलुस जो सौल था वो एक था। जब परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को बनाना था उसने एक आदमी बनाया, उसके अंदर से उसने एक औरत को निकाला, उसके अंदर से उसने एक परिवार को निकाला, और उस परिवार के अंदर से उसने पूरे देश को निकाला। परमेश्वर एक से शुरू करने वाला है। परमेश्वर ने एक अब्राहम को चुना। परमेश्वर ने जब इसराइलियों को निकालना था उसने एक मूसा को चुना। जब परमेश्वर ने इसराइलियों को खिलाना था तब उसने एक यूसुफ को चुना। परमेश्वर ने जब भी छुटकारे का काम करना है वो एक से शुरू होता है। और बोलो मैं वो एक हूं, मैं वो एक हूं। परमेश्वर में अगर आप खड़े हैं तो आप कौमों पे असर लाने वाले लोग हैं। वो एक से शुरू करने वाला परमेश्वर है। वो एक में से एक 1,000 को उड़ाएगा, 10-2 मिल जाएंगे 10,000 को उड़ाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप परमेश्वर में सही रीति से खड़े रहे तो आप बड़े बड़े काम करने वाले हैं। पौलुस इस बात से बहुत गुस्से में आ गया कि ये औरत जिसका हमारे बीच में कोई लेना देना नहीं है, जिसका हमारे साथ कोई, आपको सुनिएगा, पौलुस इस महिला के साथ, जबकि ये महिला पौलुस की बढ़ाई कर रही थी, पौलुस की तारीफ कर रही थी, ये पौलुस इस महिला को देखकर कहता है सुनो निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। और जब इसके अंदर से ये दुष्ट आत्मा निकलती है तो पौलुस स्त्री को डांटता है। स्त्री में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है मगर खुजली बगल वालों को होने लगती है। मानो के अंदर से नशा गया, सारे लोग चिढ़ने लग गए इससे। जब तक नशा कर रहा था कोई नहीं चिढ़ रहा था, सब बोल रहे थे वाह वाह और कर, मेरे से पैसे लेके जा, मैं तेरा पक्का दोस्त हूं, मुझसे लेके जा। पहले मानू को पैसा देगा फिर उसका बाप से मांगेगा, दिया 500 रुपया है मांगेगा 1,000 रुपया। मगर जैसे ही वो सुधर गया सबको खुजली होने लग गई, सबको खुजली होने लग गई। जब तक वो मर रहा था किसी को खुजली नहीं हो रही थी, पर जैसे ही वो सुधर गया सबको खुजली होने लग गई। जैसे ही साथ औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो इसके मालिकों को प्रॉब्लम होने लग गई, यार ये हमारे को मतलब ये क्या करेगी,
सारा फिलिपी जो इसके पास हाथ दिखाने जाता था, इससे पूछते जाता था मेरा भविष्य बताओ, आज एक पौलुस की डांट से समझ गया कि ये कोई भविष्य बताने वाला नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। कई बार एक पासवान होने के लिए नाते मेरे को लोगों को डांटना पड़ता है। बाइबल बताती है खुली डांट छुपे हुए प्यार से ज्यादा अच्छी है, एक खुली डांट छुपे हुए प्यार से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर वो परमेश्वर का है तो मुझसे दूर नहीं जाएगा, और अगर वो मेरा नहीं है तो और मेरे और उसके बीच में कोई साझा नहीं। पौलुस ने उसको डांटा, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, वो औरत छूट गई, मगर जो उस औरत का बिजनेस कर रहे थे, जो उस औरत को एक एक एक, एक बिजनेस के टूल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे, उनको खुजली हो गई, बॉस ये छूट गई, अब मेरा क्या होने वाला है। उसने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया, मजे की बात है पौलुस और सिलास को उसने कोड़े पड़वाए, और शैतान कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, उसने पौलुस और सिलास को एक ही कमरे में डाल दिया। और जब दो विश्वासी मिल जाते हैं तो मालूम है क्या होता है, तेरी मां ने यह किया, तेरी बहन ने यह किया, मेरी सास ने यह किया, नहीं होता है। रात के बीच में बाइबल बताती है ये रात का बीच का समय था, और वो लोग आराधना कर रहे थे, बोलिए आराधना कर रहे थे, और जब उसने आराधना की किसके बंधन टूटे? आपकी आराधना में सामर्थ्य है। अगर आप आज एक कैद में बैठे हैं तो आज आराधना करना चालू करिए। मैं नहीं जानता आपका कैद का नाम क्या है, मैं नहीं जानता आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कौन सी जगह पर फंसे हुए हैं, मगर आप आराधना करना चालू कर दीजिए। आप जब आराधना करेंगे तो बंधन टूटेंगे, खाली आपके ही बंधन नहीं टूटेंगे, आपके आजू बाजू के लोगों के बंधन टूटने लगेंगे। परमेश्वर ने आपको उस कैद में शायद इसलिए डाला है ताकि आप पीढ़ी पीढ़ी को छुड़ाने वाले हैं। आपकी एक आराधना पूरी पीढ़ियों को साफ करने के लिए काफी है, आपका एक बार खड़ा होना आपकी कौम को बचाने के लिए काफी है, आपका एक बार उठ के कहना कि परमेश्वर ये मैं तेरे लिए कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। आप असर लाने वाले लोग हैं, और यही तो शैतान आपकी जिंदगी में देखना नहीं चाहता कि आप असर ला रहे हैं। वो आपको देखना है, उसको अच्छा लगता है आप चर्च में आइए, यहां पे गुलाटियां मारिए, नाचिए, ताली बजाइए, हाथ उठाइए, घर चले जाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब आप असर लाने लगते हैं, जब आप बोलते थे बॉस बहुत हो गया, मैं इसमें से निकल जाना चाहता हूं, बहुत हो गया, मैंने बहुत दुख झेल लिया, मगर मेरे आने वाली कौम दुख झेलने वाली नहीं है, मैं इनको चर्च लेके जाऊंगी और मैं इनको बताऊंगी कि यहोवा कौन है, मैं इनको बताऊंगी कि यीशु मसीह कौन है। सवाल यह है कि अगर आपने पता कर लिया है कि पाइथन स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम कर रही है तो इसमें से निकलने का तरीका क्या है, बता के इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9:29 पढ़ेंगे हम। ये वैसी कहानी है जहां पर यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, और एक ऐसी जगह पर आया जहां पर यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए। 9:29 उसने उससे कहा, यह जिना जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, विदाउट फास्टिंग एंड प्रेयर। अगर आप समझ लिए हैं कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का काम हो रहा है, ये पाइथन स्पिरिट का काम हो रहा है, तो ये समय रहेगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। ये जो आत्मा है ये टेरिटोरियल है, मैंने आपको बताया एक पूरे इलाके के ऊपर असर करती है। अगर आप देखेंगे कि पूरे इलाके में सबके सब नशा कर रहे हैं, सबके सब एक ही किस्म का नशा कर रहे हैं, सबके सब के घरों में एक ही हालात है, पति पीकर आता है, उसको घर का कुछ नहीं पता है, बच्चे रुल रहे हैं, उनको चर्चेज नहीं जाना, उनको कॉलेज नहीं जाना, उनको पढ़ाई नहीं करनी, सबके सब कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा जाने के लिए अपनी पहलियां बेच रहे हैं, और कनाडा जाकर वो लंगर खा रहे गुरुद्वारे में और टॉयलेट साफ कर रहे। अपनी पहली बेच के ये करना था, यही कर लेते दादा, कम से कम पहली तो तुम्हारी रहती, क्योंकि सबके सबको एक ही प्रॉब्लम है, एक ही, आप देखेंगे सबको एक ही प्रॉब्लम है। अगर आपने ये बात को समझ लिया है तो आप इसके खिलाफ आज से उपवास और प्रार्थना में जाने लगे, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने चुना है कि मैं असर लाऊंगा।
अपनी पीढ़ियों को छुड़वा के बाहर ले आऊंगा, अपनी पीढ़ियों को आजाद करवाऊंगा। परमेश्वर ने आज मुझे चुन लिया। आज पौलुस और सिलास को परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कौन इस कारागार में लोगों को छुड़ाएगा, कौन इन अंधेरे में बेड़ियों में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाएगा। अगर वो अपने आप को छुड़ा सकते तो छुड़ा लेते बहुत पहले ही, मेरे को पौलुस को भेजना नहीं पड़ता था। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है ताकि आप बंदियों को छुड़ा लाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं, आइए हम प्रार्थना में जाएं। और आज ये उपवास प्रार्थना का पहला दिन है, हम एक जंग छेड़ दें कि ये लिवाइथन स्पिरिट, ये प्रार्थना को रोकने वाली आत्मा हमारे परिवारों में से, हमारे कलीसिया में से बाहर निकले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो लोग प्रार्थना खुल के नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग प्रार्थना खुल के नहीं कर पा रहे हैं, आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंदर आज आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी मदद करें ताकि आप प्रार्थना खुल के कर पाए। यीशु मसीह ने कहा कि बिना प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना के ये चीज नहीं निकलती। आज हम उपवास के हालत में है, आज हम प्रार्थना की हालत में है। प्रभु आज हम मांगे आज लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया फादर, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की दुहाई दे के खुदावन मांगो तो खिला दिया जाएगा। ये जो दुष्ट आत्मा है ये चाहती नहीं कि आप मांग पाए, इसने आपकी मुंह को सील कर दिया है। ये जो दुष्ट आत्मा है ये चाहती नहीं है कि आप आजाद हो पाए। आप जब अपनी प्रार्थना करेंगे आपके मुंह में वो सामर्थ्य है, जब आप रिलीज करेंगे पवित्र आत्मा का काम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप रिलीज करिए अपनी प्रार्थनाओं को, रिलीज करिए अपनी प्रार्थनाओं को। मैं नहीं जानता क्या तकलीफ है, शायद आपके पैसे की तकलीफ है, आपके घर में लोग नशे में है, आपके घर में लोग बंधनों में छुपे हुए हैं, आपके घर में बीमारियां हैं, मैं नहीं जानता क्या चीज है। आज इसको रिलीज करिए, इसको रिलीज करिए, अपने मुंह से रिलीज करिए। जब आप रिलीज करेंगे यहां पे छुटकारे होंगे। आप रिलीज करना चालू कर दीजिए आज परमेश्वर के सामने, इसको रिलीज करना चालू कर दीजिए। आप इसको रिलीज करना चालू कर दीजिए आज, इसको रिलीज करना चालू कर दीजिए आज, इसको रिलीज करना चालू कर दीजिए आज, इसको रिलीज करिए, रिलीज करिए। गरीबी को बोलिए मेरे घर से बाहर निकले, गरीबी को बोलिए मेरे घर से बाहर निकले। हालेलुया, नशे को बोलिए मेरे घर से बाहर निकले। ओ हालेलुया, प्रार्थना को रोकने वाली ताकत को बोलिए मेरे घर से बाहर निकले। हालेलुया, परमेश्वर आपका आत्मा हमसे बात करने के लिए, प्रभु आप हमें तैयार करिए। हालेलुया, जोरा बाबा शुखो पनारा दूरा बाला रबाबा शुखो रबाबा हाना तीखे सबाला दोरो बो शेबे वे रखे तेने में सीखे रबा दोरो बो शबाबा रबाबा शखा बाबाला रा दोरो बो शेबे वे रहे मेरे दूरा मा रबाबा कातो सुखो रबो शबो रमहल तकसी रबो शिमहा रबैन गसी तेखे बो को रबो शबाला पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे दिल को दे आशीष इस जीवन को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। जैसे हम इस गीत को गा रहे हैं परमेश्वर की आत्मा यूं कहती है कि कोई ऐसा बैठा है हमारे बीच में जिसको एग्जैक्टली इस जगह पर अभी दर्द हो रहा है, छाती के इस जगह पर। मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, आप सामने आना है और परमेश्वर का आत्मा भी आपको रिलीज कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि जब हम प्रेयर कर रहे हैं कि कोई चीज आपको यहां पर तकलीफ दे रही है और परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुड़ा रहा है। अगर ये आप हैं जिसको तकलीफ हो रही है
तो जल्दी से सामने आ जाइए, परमेश्वर आज आपको छुड़ा रहा है। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अगर जिसको आना है उसको अपने आप आने दीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू बदल दे मेरे मन को, दे आज से तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा। कम ऑन होली स्पिरिट, पुकारिए 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 पुकारिए। होली स्पिरिट लॉर्ड, रिलीज 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 रिलीज। छू पिता इसको छू, अभी आजाद कर, गो गो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हटो, यीशु मसीह का नाम से ये ले सोफिया, आजादी ले, आजादी ले, आजादी लो यीशु मसीह का नाम से। एवरी पेन एवरी पेन एवरी पेन अभी निकलो यीशु का नाम से। लॉर्ड डिलीवर हर राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। ये ले सोफिया और ले अभिषेक लो, अभी ये पेन जा रहा है यीशु मसीह का नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओके हेरा मातो खुश बेरे। यहां पर एक आंटी बैठी है जिसका कमर के पीछे, आपका राइट हैंड साइड के पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई कील चुभ रहा है। अगर आप इधर हैं तो जल्दी सामने आना है। कमर के पीछे ऐसा लग रहा है कि आपका कील चुभ रहा है, अगर आप यहां पर हैं तो जल्दी सामने आइए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप यहां पर हैं तो जल्दी से सामने आइए। ओ जीसस होली स्पिरिट, हाँ चलिए चलिए चलिए। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड। यहां पर कोई है जिसका कमर के पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई कील चुभ रहा है, अगर आप यहां पर हैं तो आ जाइए। जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड। ब्रीथ 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 ऑन देम लॉर्ड, ब्रीथ ऑन देम लॉर्ड। खुदावन आपकी सांस इनके ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आजादी आजादी लो आंटी जी, आजादी लो, लिए जाओ लिए जाओ, आजादी लिए जाओ यीशु मसीह के। यस लॉर्ड, आजादी आजादी आजादी। टच होली स्पिरिट प्रभु, आजादी दे इनको, आजादी दे अभी इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया